राजधानी देहरादून में तीन हैवानों ने एक 16 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। इन हैवानों ने पहले तो 16 साल की मासूम को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। घटना रायपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार को एक युवक मैजिक गाड़ी से आता है और लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। फिर वो युवती को अपनी टाटा मैजिक गाड़ी से किद्दू वाले क्षेत्र में लेकर गया, जहां उसने पहले तो नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया और फिर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। युवती आरोपी को पहले से ही जानती थी। युवती अचानक घर से लापता हुई थी तो परिजन भी लगातार लड़की की खोजबीन में जुटे हुए थे। दोपहर बाद परिजन लाडपुर तिराहे पर पहुंचे तो वहीं युवती एक मैजिक गाड़ी में तीन लड़कों के साथ मिली। युवती गाड़ी में बेसुध पड़ी हुई थी, जिसके बाद लड़की के परिजन तीनों युवकों को पीटते थाने लेकर आ गए। देर शाम तक मुकदमा दर्ज न करने पर स्थानीय लोगों ने रायपुर थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में लोग रायपुर थाने में इकट्ठा हो गए। इसके बाद दूसरे थाने से भी पुलिस बुलाई गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने दोपहर बाद ही पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दे दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज न होने पर लोग भड़क गए। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की बात करती रही। इससे गुस्साए लोगों ने मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को गैंगरेप का केस दर्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग तीन लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12:30 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और तीन लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। चूँकि सूचना संवेदनशील थी, तत्काल जो है लिखित कोई कंप्लेन आने के पहले ही यहाँ पर जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी और उसके अवलोकन से अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जो दो लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे वो अन्यत्र स्थानों पर थे और करीब 2:30 से 3 बजे उनको फुटेजेस भी देखी गई, वो अन्य रोड पर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो टाटा मैजिक में बैठ कर कहीं शहर में तपोवन रोड की तरफ घूमते दिखाई दिए। चूंकि अभी बहुत सारी फुटेजेस पुलिस ने कलेक्ट की जिसका अवलोकन किया जा रहा है और साथ ही साथ कॉल डिटेल के हिसाब से भी दो लड़के घटना के समय जो बताया गया उसमें उन अन्य जगहों पर अभी लोकेशन के हिसाब से पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मामला संवेदनशील है इसमें तहरीर प्राप्त हो गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य इसमें आ रहे हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए टीम बनाकर इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल सभी साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई। जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।